हिमाचल प्रदेश पुलिस की डीआईजी सुमेधा द्विवेदी मैडम हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, कल विधानसभा के चुनाव हैं और किस कदर सुरक्षा व्यवस्था को चाकचौबंद किया गया है? आप देख रहे हैं, अभी हम कंडवाल बैरियर पे हैं जो हमारा पंजाब के साथ और पठानकोट जिला के साथ लगता है। अभी मैं चंबा से आ रही हूँ, हमारी रेंज में चंबा, ऊना और कांगड़ा है। एंड ये जो एरिया आप जानते हैं चंबा का, हमारा जम्मू कश्मीर के साथ और पंजाब के साथ लगता है, और नूरपुर का ये एरिया, ये पूरा पंजाब के साथ सटा हुआ है। हमने ऑलरेडी इसमें नाकाबंदी की हुई है, जैसे आप देख रहे हैं हमारी लोकल पुलिस भी एंड CAPF भी, हमारी जॉइंट एक्सरसाइज ये है। SP नूरपुर मेरे साथ खड़े हैं, ये दिन रात लगे हुए हैं। मैं भी इस वक्त चेकिंग पे ही सुबह से निकली हुई हूँ। अभी मैं, जैसे अभी पहले बताया कि चंबा से होते हुए वहाँ के बैरियर चेक करते हुए मैं यहाँ आई हूँ, और मैं कह सकती हूँ कि हमारी पूरी फोर्स जो है वो बड़ी अच्छे से और बड़े प्रोफेशनल वे में अपना काम हर जगह कर रही है। एंड जैसे आपने कहा है कि कल इलेक्शन है, तो नो डाउट हमें भी पता है कि ये टाइम काफ़ी सेंसिटिव है, इसलिए हम अपनी तरफ से पूरी पैनी निकाह रखे हुए हैं इस पर। देख रहे हैं कि तीसरी आंख से भी नज़र रखी जा रही है, CCTV कैमरों को इंस्टॉल किया गया है, जवान जो हैं वो लगातार हर एक गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन चैलेंज कितना बड़ा है कि सुरक्षित तरीके से चुनावों को संपन्न करवाना? देखिए, हमने पूरी रेंज में ही नाके लगाए हुए हैं, एंड इस वक्त हमारी रिक्वेस्ट पे पंजाब ने भी नाके लगाए हुए हैं। लगभग कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो पूरी रेंज में और जितने इधर से लगे हैं 50 नाके लगे हुए हैं, और ऑलमोस्ट हमारे सभी नाके हमने CCTV से कवरेज दी हुई है उन्हें। और भी जो भी इक्विपमेंट जो हमें लगता है कि एक तरह से हमारे उस डिफेंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है, वो भी रखा हुआ है। हमारा मोटिव एक ही है कि हमारा स्मूथ एंड इंसिडेंट फ्री, बिना किसी प्रेशर के फ्री, फेयर एंड न्यूट्रल जो है वो वातावरण रहे, ताकि पोलिंग जो है वो पीसफुल रहे एंड सक्सेसफुल रहे। हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा ज़िला है, ये सबसे बड़ा ज़िला है, क्योंकि 15 विधानसभा की सीटें आती हैं और जंगल का सटा हुआ इलाका है। क्या जंगल में भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि आप जानते ही हैं, अभी जो हम खड़े हैं ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट नूरपुर में आता है कांगड़ा, क्योंकि सबसे बड़ा ज़िला और ये जो एरिया ये बहुत सेंसिटिव है, तो इसीलिए ये एक अलग पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। SP साहब यहाँ बैठे हैं, जब से आए हैं मैं कह सकती हूँ कि इन्होंने दिन रात एक किया हुआ है इसी के लिए कि चाहे वो जंगल है चाहे ये एरिया है, कॉम्बिंग हो और हर तरह से हमारी निगाह पूरी रहे, एंड आई वुड अप्रिशिएट हिम दैट ही हैज़ डन दैट। वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगी, कहना चाहेंगी? बेखौफ होकर पोलिंग बूथ में आइए, हिमाचल प्रदेश आपकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे अलर्ट है। बिल्कुल, आपने मेरा मैसेज कह ही दिया है कि मैं यही कहना चाहूँगी कि हर किसी का, ये हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है कि हम वोट दें, एंड हम हिमाचल पुलिस पूरी तरह से इस कोशिश में है कि हम कैसे दी मोस्ट पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करके कैसे उनको और फैसिलिटेट कर सकें। तो एक बार मैं वही कहूंगी कि सभी बाहर आएं एंड अपनी मत का, अधिकार का प्रयोग करें। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी DIG हिमाचल प्रदेश की सुमेधा द्विवेदी मैम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था इस कदर चाकचौबंद की गई है कि इन चुनावों में कोई आतंकी तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 हिमाचल प्रदेश।